स्वागत है मौर्य जी न्यूज चैनल में। दोस्तों, एक बार हम फिर उपस्थित हुए हैं आप लोगों के समक्ष नई जानकारी लेकर के। दोस्तों, आज हम बताएंगे कि पीएसएल में कुछ ऐसी बातें उजागर होकर आ रही हैं जो लोग आप शायद ही जानते होंगे, और वो बातें आपको हम बताएंगे जो कि हमें पता चली हैं। उससे पहले हम चाहेंगे दोस्तों, जो पहली बार चैनल पर न्यूज देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन घंटी को दबा दें ताकि उन्हें लेटेस्ट न्यूज मिलती रहे। जो पहले से सब्सक्राइब किए हुए हमारे सब्सक्राइबर भाई हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आते हैं अपने मुद्दे पर। दोस्तों पीएसएल और सहारा दोनों की हम बात करेंगे, तभी उस बात को हम समझ पाएंगे। जिस प्रकार से सहारा का मैटर था उसी प्रकार पीएसएल का मैटर था। उन दोनों मैटरों में द जीरो न्यूज पीएसएल मैटर ने कुछ बातें कही, उस बातों को हम शेयर करेंगे आप लोगों के सामने। द जीरो न्यूज पीएसएल मैटर ने कहा कि सहारा के मैटर में पीएसएल के मैटर में जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, सहारा में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मैनेजमेंट को आदेश दिया कि आप जो है जो निवेशक आपके यहां पैसा जमा किया है, जो मतलब कि स्कीम के तहत जो बांडित थी, बंद हुई थी स्कीमें, उनके तहत जो पैसा जमा किया गया है और जिन पर रोक लगी थी सेबी की तरफ से, उन स्कीमों के तहत पैसे के बारे में जब मैच्योरिटी की बात आई तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सहारा का मैनेजमेंट जितना लोगों का पैसा जमा है प्रत्येक वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से 15% चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से मैनेजमेंट सेबी को भुगतान दे, अर्थात सेबी को पैसा दे। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा सेबी उस पैसे को रिटर्न करे निवेशकों को, ऐसा आदेश दिया, सुप्रीम कोर्ट से आदेश आया। दोस्तों, और पीएसएल के जो मैनेजमेंट है इनके लिए जो आदेश आया उसको हम बताएंगे कितनी भिन्नता है। इसमें आदेश आया कि प्रॉपर्टियों को बेचकर इंटरेस्ट की कोई बात नहीं हुई, एक समिति बन गई, पैसा देने की बात आई, उसमें यह नहीं क्लियर किया गया कि ब्याज सहित पैसा देना है कि मूलधन देना है, कितना देना है, किसी प्रकार का कोई जिक्र नहीं किया गया। यही कारण है दोस्तों पीएसएल के पैसे में जो पैसा मिल रहा है 10 देकर 20 की बात की जा रही है। कहने का मतलब यह है, हम साफ साफ ये कहना चाहते हैं कि द जीरो न्यूज पीएसएल मैटर ने आरोप लगाया है, आज चैनल के माध्यम से अपने उसने आरोप लगा दिया जजों के ऊपर कि जो पक्षपातपूर्ण तरीके से जजमेंट सुनाया गया पीएसएल को के निवेशकों के लिए और सहारा के निवेशकों के लिए कोई दूसरा मैनेजमेंट है, मतलब दूसरे तरीके से पैसा देने की बात कही गई और पीएसएल के पैसा देने की बात कुछ दूसरे तरीके से आदेश दिया गया। तो हमारे साथ खेल जो हुआ है सुप्रीम कोर्ट से ही हुआ है। वहां से अगर अच्छी तरीके से आदेश होता तो उसका फॉलो भी सही तरीके से इनको करना पड़ता। अब हम ये देख रहे हैं कि वहां का जो पैसा देने की बात आती है प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक एप्लीकेशन का, प्रत्येक निवेशक का पूर्णतया हिसाब किताब के साथ मैच्योरिटी होती है और भुगतान की जो विधि है सहारा के भुगतान की विधि अलग है, अलग तरीके से, जो कि सही है। प्रत्येक निवेशक का पूरा पैसा मिलने का प्रावधान है, लेकिन
पेशियल के पैसे का जो मिलने का सिस्टम है वो इतना गलत क्यों है। वहां पर प्रत्येक व्यक्ति का फार्म भरने का, फिलअप करने का तरीका कुछ अलग है, और यहाँ वहाँ पर सारी रसीदें नहीं मांगी जा रही हैं, और पीएसएल में सारी रसीदें मांगी जा रही हैं। पोर्टल पे सभी निवेशकों का उजागर नहीं किया जा रहा है कि कितना पैसा है, कितना पैसा बचा है देने को, कितना बाकी है। प्रत्येक व्यक्ति का जांच करने की कोई व्यवस्था नहीं है। तो पीएसएल के निवेशकों के साथ इतना भेदभाव क्यों है, ये सवाल उठता है। तो दोस्तों, सेबी तो गद्दार है ही, साथ में ये भी सवाल उठ रहे हैं कि जो जजमेंट है ये भी हम लोगों के साथ गद्दारी की है, और मैनेजमेंट के साथ भंगू के साथ मिलकर जजमेंट भी गलत तरीके से सुनाया गया, ऐसा द जीरो न्यूज स्पेशल मैटर ने बताया है। अगर आपको यकीन नहीं होता तो जा करके उनके चैनल को आप सर्च कीजिए और लेटेस्ट न्यूज देख लीजिए, आपको दोस्तों पता चल जाएगा। तो दोस्तों, ऐसे भी दिखता है जब से भी 25,000-26,000 लोगों को मैच्योरिटी कर देती है उल्टा सीधा तरीके से, तब वो बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर उसे पोर्टल पे डाल देती है, हमने इतना पैसा निवेशकों को दे दिया। तो हमें क्या विश्वास होता है कि ये जो सेबी है, लोढ़ा कमेटी जो पैसा दे रही है सेबी के देख रेख में, ये कितना पैसा दे रही है कितना नहीं दे रही है, इसकी बात को कितना कैसे यकीन किया जाए। यकीन इसलिए नहीं किया जा सकता कि सेबी अपने पोर्टल पे, लोढ़ा कमेटी सेबी के पोर्टल पे यह क्यों नहीं डालती है कि प्रत्येक निवेशक अपने अपने तरीके से उसे चेक कर सके, अपने जो के निवेशक के पास रसीदें रखी हैं, बांडें रखी हैं, उसे मिलान कर सके कि जितना हमारे पास बांड और एप्लीकेशन, मतलब बांड और रसीदें रखी हैं, उस हिसाब से सेबी के पास पैसा है कि नहीं है, इसकी जांच कैसे करें। निवेशक परेशान है, तो सेबी और लोढ़ा कमेटी से हम बार बार चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्रत्येक निवेशक का जो उसके पास एप्लीकेशन बांड रखे हुए हैं, सबका हिसाब किताब अपने पोर्टल पर पारदर्शिता के साथ दिखाए और लोग अपने पास रखे हुए बांड से उसका मिलान करें, इससे भी तसल्ली हो कि हमारा इतना पैसा है कि हम फर्जी पेशल के बांड और रसीद को जोगे रखे हैं। दूसरी बात यह है, आप जब भी फार्म फिलअप करवाए और जो फिलअप हो चुके हैं, चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट करते हैं कि रसीदों के हिसाब से पैसा ना दे, एप्लीकेशन के हिसाब से पैसा दे, जो रजिस्ट्रेशन नंबर हो, रजिस्ट्रेशन नंबर पे कितना पैसा जमा हुआ है, अगर मूलधन ही लौटाती है तो उस बात से हम फिलहाल सहमत नहीं है कि मूलधन दे, लेकिन देना भी देती है तो हमारा यही रिक्वेस्ट है कि जो उसके पास जितना पैसा जमा है उस एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन नंबर पर सारा पैसा निवेशकों को दे देना चाहिए बिना रसीदें मांगे। ये होती है थोड़ा कम बेईमानी वाली बात। अगर वो रसीदों को मांगती है तो वहाँ बेईमानी इसलिए होती है क्योंकि सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करना चाहिए, सभी कंपनियों के साथ। सहारा के साथ ऐसा क्यों नहीं किया गया, उससे क्यों सारी रसीदें नहीं मांगी गई और पीएसएल के निवेशकों से सारी रसीदें क्यों मांगी जा रही हैं, ये सवाल उठता है दोस्तों। तो बहुत बड़ी बेईमानी हो रही है और 15% ब्याज के साथ उसमें रिटर्न की बात आती है
और पीएसएल के निवेश के साथ 5-6% नहीं 0% की बात भी नहीं सामने